नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने चलते हैं फूल गोभी का पकोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम फूल गोभी का पकोड़ा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने गोभी को काट लिया है। बड़ा बड़ा साइज ही काटी हूँ, ये देखिए इतना बड़ा। और हल्का सा मैं बॉईल कर ली हूँ इसको, थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के। और मैं सब निकाल लूंगी इसमें। ठीक है फ्रेंड, सारे हम गर्म पानी से निकाल लिए हैं गोभी को। देखिए थोड़ा सा बस मैं हल्का सा इसको बॉईल करी हूँ। तब तक हमारा गोभी ठंडा हो रहा है, तब तक हमने यहाँ पे बेसन को फेंट लिया है। देखिए खूब अच्छी तरीके से इसमें नमक, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, अजवाइन सब डाल के कुछ इस तरह से हमने कर लिया है। ये देखिए, मुझे ज्यादा पतला नहीं करना है ना ज्यादा गाढ़ा करना है। देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया फ्रेंड्स, अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक ऐड किया है, इसीलिए मुझे हल्का सा ही इसमें कोट करना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। और ये मैं ढेर सारा इसमें धनिया पत्ता, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाई हूँ फ्रेंड, सब डाल दूंगी। आप जितना तीखा पसंद करते हो आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। मुझे थोड़ा ये सब चीज चटपटा ही अच्छा लगता है, और ठंड में तो बात ही अलग है। गोभी का पकौड़ा बनाइए, फ्रेश फ्रेश गोभी, धनिया पत्ता सब मिलता है, बनाइए और गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स खाने में। आपने तो बहुत सारे बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमने लोहे की कढ़ाई डाल दी है, तेल मेरा गर्म हो गया है, इस तरीके से डाल दी गई।